समझाए ना तेरे को, बच्चा गिरवा दे ये। देख तो क्या कर सकते मेरे प्यार में, दबा पैर। अब देख कैसे रातों रात रुक गैप कराता हूँ। और ध्यान रखियो, मेरी बीवी को पता लगा ना, पता नहीं लगे कहाँ गई तू। प्लीज मुझे पैर छोड़। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मजे कर रही है बस। तू तेरे को पैसे दे रहा हूँ ना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मालिकीन आपके हस्बैंड ने बहुत गलत किया, मैं प्लीज मेरी बात तो समझो, उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ। तू क्या झूठ ड्रामा लगा रखा है तूने? मैं झूठ नहीं बोलूं, उनके साथ मेरा एक साल से रिलेशन था, उन्होंने मेरे से फिजिकली किया था। पागल है क्या? क्या बकवास कर रही है? मैं सच बोल रहा हूँ, मानो प्लीज। क्यों नाम बदनाम कर रही है? मैं क्यों नाम बदनाम करूँ? मैं सच बोल रही हूँ। किसी के कहने पे कर रही है ना? वो पॉलिटिक्स में है। किसी के कहने पे क्यों करूँगी? नहीं, वो पॉलिटिक्स में है तो तू निकल, नाम का नाजायज फायदा उठा रही है। मैं क्यों किसी के साथ? पैसे दिए ना किसी ने तुझे? मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तू ड्रामा करने चल। आप जो इसको कर रहे हो ना, कैमरे पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी भी आपके पास मौका है, आप पति का जो पक्ष ले रहे हो ना, आपके साथ गलत होगा। फिर कौन हो? कहाँ से आए? क्या मतलब है तुम्हारा? आप जो ये चीज धमकी दे रहे हो ना अपनी पावर पोजीशन का, मेरे पास कोई काम नहीं करने वाला, ठीक है? ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ना, ऑडियो और वीडियो बन रही है, आप भी अंदर जाओगे, अंदर कम से कम 5 साल के लिए अंदर जाओगे। अरे झूठ बोल रही है, क्या होगा जब अंदर जाएंगे ना? मेरी बात सुनो। आपको देखो संगीता जी, आपको कोई भी चीज से अगर ऐतराज होगा ना, अगर आपके पति के खिलाफ वो चीज गलत प्रूफ हो गया तो आपको, देख लो, आपके ऊपर भी एक्शन ले सकता हूँ। इसलिए आप अभी साथ दो, कोऑपरेट करो, इस तरह से चिल्लाओ मत। मुझे मेरे पति पे पूरा भरोसा है। भरोसा है ना? हाँ जोड़ रहा हूँ, भरोसा है, मुझे भी भरोसा है। ये लड़की चलो झूठ बोल रही है पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने ये झूठ बोलेगी, हुई बच्चे को लेके। आप भी एक औरत हो, मैं वही आपको कह रहा हूँ, एक औरत के दर्द आप समझ सकते हो, उसकी सबसे बड़ी चीजें और सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती है, और वो यहाँ पे नीलाम करेगी, पागल है। आप बैठो चुपचाप, आपसे हाथ छोड़ा, बैठो। कितने साल? एक बेटा पहले रोना बंद करो, कितने साल तक तुमने इनके यहाँ काम किया? 6 साल तक काम किया, और इसके इसका दर्द आपको समझ में नहीं आ रहा? कैसी औरत हो आप? पैसे की भूखी है। मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ। इनको भी पैसे कम लगेंगे, बता कितना चाहिए? आपको कितना पैसे चाहिए? एक मिनट रोना बंद करो, कितना पैसा चाहिए आपको? ये लड़की रो रही है, इसके आंसू से बढ़ के पैसे हैं आपके लिए? 5 साल 6 साल आपके यहाँ खटी है, आपके कपड़े धोई है, आपके घर साफ किए, आपके गंदगी साफ की है, उसी का नतीजा दे रही है ये मुझे। अच्छा, उसका नतीजा दे रही है ये? और आपके पति जो इसके पेट में जो गंद पाल दिया, वो क्या था? देखो संगीता जी, अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो आपके पति को तो घसीट के थाने लेके जाऊंगा ही, लेकिन आपको भी घसीट के ले जाऊंगा। अगर आप चाहते हो बचना, आप चाहते हो कि आपके पति की असलियत काली सच्चाई लोगों के सामने आए, इस बच्ची को इंसाफ मिले, तो आपको साथ देना होगा। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, और आपको अंदाजा भी नहीं है मेरी लाखों मिलियन में व्यूज आती है, और लोग देखेंगे आप पे थूकेंगे। आपका जो पोजीशन आने वाला पोजीशन है ना नगर पालिका चुनाव में, एक वोट भी नहीं मिलने वाला है, सोच लो अभी। उसी के लिए तो कर रही है ड्रामा। हाँ, उसके लिए कर रही है ना ये। मैं क्यों करूँ? नहीं, गलत बोलने में। ममता, ममता शांत हो जाओ, वीडियो स्टार्ट करें बेटा, आपको बस पूरी चीजें प्रूफ करवानी है, ठीक है ना? वीडियो स्टार्ट करना, स्टार्ट हो गया ना? संगीता जी अभी चुप रहना, आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसका जवाब दे देना सही सही। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मासूम, और हमारे साथ ममता जी हैं, और बेचारी अब भी मुश्किल से 19 साल की है। 19 साल है जाए तुम्हारा? 19 साल की है, और ये है संगीता मेरे लेफ्ट साइड में, और ये औरत वो लड़की है जो इनके यहाँ काम करती है, नौकरानी एज ए सर्वेंट का जॉब करती है, इनकी गंदगियाँ साफ करती है, और इसी की पति, इसके पति इनके साथ 1 साल तक रिलेशन बनाया, इनको नोचा, इनको खाया, फिर अब क्या है, जब बात आई बच्चे की, अब कह रहा है
क्या कह रहा है बेटा, पूरी बात हमें ना ऑडियंस को बताओ, हम चाहते हैं पूरी चीजें सामने आए, ताकि उस इंसान का जो गंदा रूप है पूरी दुनिया के सामने आए। बताओ क्या वो मेरे से बोल रहे कि बच्चे की रिवाज है, तो चले जा गाँव यहाँ छोड़ कर चले जा, मुझे तो सब नहीं रहना है। मैंने अच्छा बेटा एक चीज मैं पूछूं आपसे, आपको जब पता था तुम्हारे मालिक शादीशुदा है, उनके पति मतलब पत्नी आपकी मालकिन है, तो आपने रिलेशन क्यों बनाया उसको, जोर जबरदस्ती करा उसने? उसने जोर जबरदस्ती किया था, वो मेरे बाप के कमरे में आ जाते थे, मैं उनको मना करी तब भी वो तेरी मर्जी हम दोनों की मर्जी। तो झांसा दिया होगा ना तुम्हें, कुछ तो झांसा दिया होगा ना कि तो मतलब ऐसे कर दूंगा, उतने पैसे दे दूंगा। हाँ, उन्होंने बोला था कि 2-3 लाख रुपए दे दूंगा तेरे, ऐसे जिंदगी बदल दूंगा, तू बहुत खुश रहेगी। तुम पैसे के लिए की या फिर उसको अपना पति मान लिया? अपना पति माना था मैंने उनको। आप क्या कह रहे हैं? मैं पैसे के लिए नहीं कर सकती, वो मना करे इनकार करे कि मैं नहीं रख सकता तुम्हें। देखो ममता, जो भी चीज तुम्हारे साथ हुआ है, चाहे अनजाने में हो जानबूझ के हो, जो भी है, अब तो ये तुम्हारे साथ गलती हुआ है, बट इस चीज का हर्जाना वो इंसान ही कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकती है। मैं सच बोल रहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या चाहते हो तुम? आप क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो मतलब? आप तो वो शादीशुदा है, तुम चाहते क्या हो कि इस बच्चे को बाहर दुनिया में आना, बच्चे को जन्म देना है, मुझे दुनिया में लेकर आना है बच्चे को। तुम्हें इंसाफ चाहिए? हाँ मुझे इंसाफ चाहिए भैया। ठीक है, इस चीज को तो मैं मान गया। आप एक चीज बताओ संगीता जी, ये चीजें एक साल तक आपके घर के अंदर जिस कमरे में आप सोते हो, रहते हो, हंसते हो, बोलते हो, मतलब जो भी है खाना पीना सब खाते हो, आते नहीं आते, आपको एक साल से मतलब कुछ भनक नहीं था कि आपके पति का इसके साथ रिलेशन चल रहा है? मुझे कुछ नहीं भनक था, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है, मैं मान नहीं सकती, मुझे मेरे पति पे पूरा विश्वास है। ये झूठ बोल रही है, पता नहीं कहाँ का क्या करके आई है और मेरे पति को बदनाम कर रही है। झूठ बोलूंगा भैया मुझे? कहीं ना कहीं ये गंदा अंधविश्वास आपके अंदर एक अंधभक्ति बना बैठा है। अगर आपके पति आज गलत निकलते हैं तो फिर आप क्या एक्शन लोगे? इनको पति गलत है, मुझे तो विश्वास है वो ऐसा होगा ही नहीं। चलो ठीक है, विश्वास है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर गलत निकलते हैं तो वो पहलू में आप क्या करोगे? आप उसके साथ क्या करोगे? आप उसको छोड़ दोगे या शादी कंटिन्यू रखोगे या डिवोर्स ले लोगे? या उसे डिवोर्स ले लोगे और इस बच्ची का क्या होगा फिर? देखो जो भी चीज है, आप देखो मैं संगीता जी, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना होगा, ताकि वो इंसान यहाँ आए, अपने कुकर्म दिखाए वो उसने जो किया है, बाकी आप लोग बस वीडियो में बने रहो, आप लोग यहाँ से आप जाओ यहाँ से। जो भी चीजें है दोस्तों मुझे समझ में तो आ चुकी है, आप लोग भी समझ गए होंगे। देखो ममता, आपको जो आपके साथ बीता है, आप वो सारी चीजें दुनिया के सामने लाओ, ताकि आपकी जो जो आपके साथ बीता है वो पूरी चीजें दुनिया देखे, फिर हमें एक एक्शन ले सके, हमारे पास वीडियो प्रूफ एविडेंस के रूप में हो सके, ठीक है ना? आप पूरा कोऑपरेट करना, बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो, मिलता हूं वीडियो के अंत में। हाँ क्या है यहाँ पे है, इतने फोन पे फोन तो पता नहीं, मैं ऑफिस में था, क्या ये इतने कॉल करते हैं? जरूरत पड़ेगी मैं कॉल नहीं करूंगी फिर। जरूरत पड़ेगी? हाँ। ऐसी का तूफान टूट गया तो जरूरत पड़ेगी? मुझे आपसे ये बोलने की, मुझे ये बच्चा, तुम्हें घर नहीं आ रहा था क्या? घर पे आके बात हो जाती तो पार्क में कोई गलत हो रही है क्या? तो कोई देखने के लिए आ रहा है? दुनिया जानती है, सिर पे इलेक्शन है मेरे, यहाँ मिलूंगा मैं ऐसे खुलेआम पार्कों में? सिर पे इलेक्शन है, आपको पहले सोचना चाहिए था ना। क्या सोचना चाहिए था? क्या सोचा? क्या हो गया? नहीं बच्चे का मैं क्या करूँ, मुझे नहीं गिराना। फिर वही बात, बच्चा कह दिया ना, बच्चा गिरवा दे। मुझे बच्चा नहीं गिरवाना, मैं क्यों गिरवाऊंगी बच्चा बताओ? मेरे को एक ही बात बार बार नहीं चाहिए, और भी मेरे सिर पे बहुत सारे काम है, बहुत टेंशन है मुझे। मुझे आपके साथ शादी करनी है, मुझे नहीं पता ये आपको शादी करनी है, तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना। ये तेरे को पता नहीं है मेरे बारे में, मैं शादीशुदा हूँ। तो शादीशुदा था, ये आपकी भी तो गलती है ना, आपने मेरे साथ रिलेशन बनाया क्यों? दोनों की मर्जी से बनाना, मेरे अकेलेपन से तो बना नहीं। मेरे बच्चे को तो अपनाओ आप। कैसे अपनाऊं? मेरे बच्चे मेरी बीवी को क्या कहेंगे वो? नहीं आपको पहले सोचना चाहिए था। क्या कहेंगे मुझे? मैं कहाँ जाऊंगी ना, मैं छोटे से गांव की, मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ पे ड्रामे मत कर, प्लीज। देख रहा है पूरा भीड़ भड़का हुआ है, यहाँ इलेक्शन सिर पे है मेरे, मैं ड्रामे क्यों करूंगी? मैं ये ड्रामे तो कर रही है पार्क में बुला के, मैं ड्रामे क्यों करूंगी? मैं, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे घर पे, भरे पार्क के अंदर सारी पब्लिक है, सब दुनिया मुझे देख रही है। वो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, क्या करूँ फिर? वही क्या करूँ, क्या करूँ? 2-3 लाख रुपए ले, अपना यहाँ से गायब हो जा, अंडरग्राउंड हो जा। तुझे पता है ना मेरी बीवी को पता लगेगा तो? मुझे पैसे क्या करूंगी, मुझे आपका साथ चाहिए। अपनी जिंदगी के बारे में सोच, मेरी बीवी पगलेट है। बाप चाहिए मुझे, माँ बाप सब भूल जाएगी जब मेरी पगलेट को पता लग गया ना मेरी बीवी को, तो ये तो मारेगी मारेगी मुझे, सबसे पहले जान से मार देगी वो। मैं पैसे नहीं ले सकती, मुझे बच्चों को जरूर करना है, मुझे आपका साथ चाहिए। देख ये तो पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, ना मैं अपने घर वालों को इस तरीके से फेस कर सकूंगा। देखो जी, ये मैंने एक और ऐसा कर लिया है, क्या बोलूंगा मैं उन्हें? मैं प्यार करती हूँ, मैं तू पैर उलाएगी, देख तो क्या कर सकती है मेरे प्यार में। दबा पैर, दबा दबा, अच्छे से दबा। मैं फिर कह रहा हूँ, पैसे ले और गैब हो जा। ये देख, ये देख, जितना चाहिए उतना। पैसे नहीं चाहिए, बहुत पैसा है, बहुत नहीं चाहिए मुझे पैसा। अंधा पैसा है, पागल हो जाएगी पैसे गिनते गिनते। इतना पैसा है मेरे पास तेरे लिए। जूता साफ कर, कह ना मैं प्यार करती हूँ, करना बस। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं लो साफ कर रहा हूँ। हैं? ये सब कुछ छोड़ दे, समझ गया? पैसे ले, गैब हो जा, बीवी को पता लग गया मेरी, तुझे और मुझे दोनों को मार देगी। मैं फिर तेरे को समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ये बात तेरे पास। यहाँ से गैब हो जा बिल्कुल। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ चाहिए। पब्लिक प्लेस में क्या ड्रामा कर रही है? घर भी तो आ रहा है, घर बैठ के बात कर रहे थे। बीवी तो रहती ना साथ में। अरे रात को तो आता हूँ मैं तेरे पास, सब बात कर लेती, सब बता देती। तो अभी क्या है, अभी मुझे बताना है। क्या बताना है? यहाँ भरी प्लेस में बताएगी, दुनिया ड्रामे देख रही है। कल वोट मांगने में हाथ जोड़ के क्या कहेगी? एक ऐसा नेता हमारा, क्या बोलेगी मेरे बारे में वो, जो तू ये काम कर रही है? बताना क्या कर सकती है तू, क्या कर सकती है मेरे लिए? मैं कुछ भी कर सकती हूं, क्या कर सकती है? मैं कुछ भी कर सकती हूं, कह तो रहा हूं छोड़ दे मुझे। पैसा पकड़ जा, पैसा पकड़ जा। मेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूं। फिर क्या प्यार करती है? पैसा पकड़ और जा ना, छोड़ मेरी जिंदगी। क्या सब है ये? मैं फिर कह रहा हूँ, पैसे पकड़, तेरी जिंदगी लाइफ सेट हो जाएगी। तू मुझे जानती है ना मेरी पावर, प्यार से कह रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तेरे को, बहुत प्यार से। नहीं तो मेरी पावर जानती है, रात तो रात तो पता ही लगेगा ममता थी या नहीं। दोनों बच्चा और तू गैप हो जाएगी जब मेरी पावर देखेगी तो। और जानती भी है मेरे बारे में कैसा हूँ मैं। आप अपनी बीवी को मना लो प्लीज। रमेश सिंह को जानती है ना, दुनिया कांपती है मेरे नाम से। प्लीज कुछ भी करेगा। जो लोग नजर नहीं उठाते थे ना वो देख, मुझे अपना लो प्लीज। सिर उठा के मुझे देख रहे हैं मेरे तेरे चक्कर में। हेलो प्लीज, मैं तेरे को क्या कहूँ? मैं तेरे, मेरे पास पैसे पकड़ और जा, बस एक ही बात बोल रहा हूँ मैं तेरे को, समझ आ गई? क्या है तू, क्या बोलूँ घर वालों को? हैं? यही था, मुझे तो ये था कि सर मौज मस्ती कर रहे हैं हम, तुम और मैं, और कुछ नहीं है। मैं मौज मस्ती नहीं कर रही, मैं तो शादी करनी है। तो यही टाइम था क्या बात करने का? तुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है तू सब ड्रामे कर रही है, सब ड्रामे कर रही है। उठा पैसे, पैसे उठा के दे, पैसे दे, ये सब कुछ नहीं चाहिए तेरे को, सब ड्रामे कर रही है। अब देख कैसे रातों रात तेरे को गैप कराता हूँ। और ध्यान रखियो, मेरी बीवी को पता लगा ना, पता नहीं लगे कहाँ गई तू। प्लीज मुझे, मुझे पैर छोड़, छोड़ के मत जा प्लीज, पैर छोड़ प्लीज। मैं कह रहा हूँ पैर छोड़, ड्रामे मत कर पब्लिक में। मैं छोड़ के मत जा प्लीज, समझा रहा हूँ, बैठ जा आराम से, समझ गई? तो ना ड्रामे समझा दिया तेरे को, प्यार से सारी चीजें समझा दी तेरे को, हैं? हर चीज समझा रहा हूँ ना तेरे को, मैं समझाई ना तेरे को, बच्चा गिरवा दे ये। तो मुझे नहीं गिराने में क्या करूँ मैं? नहीं गिराना, नहीं गिराना मुझे, जो बोलोगे मैं वो करूँगी प्लीज। क्या कर रही है? क्या कुछ भी नहीं कर रही है? मजाक बनवा लूँ अपना, अपना मजाक बनवा लूँ मैं अपने घर में, अपने घर में मजाक बनवा लूँ मैं? ये पहले क्यों नहीं सोची थी फिर आपने? देखो समझा तो रहा हूँ, तो अपना क्यों नहीं रहे हो? अभी नेता समझ आ रही है, तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा मजे कर रही है बस। तू तेरे को पैसे दे रहा हूँ ना, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? संगीता क्यों, तू यहाँ पे इसकी नेतागिरी भाई निकाल, तू यहाँ का? अरे ऑपोजिशन पार्टी है कोई, जो इसको पैसों पैसों के लिए कर रही है, पैसों के लिए कर रही है, पैसों के लिए नहीं है, ये सही बोल रही है, पैसों के लिए नहीं है, मैं सही बोल रही हूं ना, तू समझ संगीता, इलेक्शन सिर पे है ये, ओए मारो इसको, एकदम चुप, क्या इलेक्शन, बैठ यहां पे, ये सही बोल रही थी ना, मैं इसकी बात का विश्वास नहीं कर रही, मैं अंधा विश्वास करके बैठी थी, मैं इससे लड़ाई जा रही थी कि मेरा पति ऐसे नहीं कर सकता। बैठ 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 बैठ, तू बैठ, ये तो मेरी बात समझ संगीता, मेरी बात, बस ओए ओए ओए,
क्या समझाओगे उसको? ये समझाओगे कि मैं इस लड़की की जिंदगी खराब कर दी? ये समझाओगे कि मैं तुम्हें अंधकार में रखा था? क्या समझाओगे? भाई तू कौन है? कौन है? हमारे घर का एड्रेस तो बोल दो। ये जो कोट डाले हो ना तू, क्या कर रहा है ये? संगीता कौन है, क्या है ये? मुझे क्या पता, आपसे ज्यादा ऐसी होना चाहिए किसी की लड़की की फीलिंग को नहीं समझ सकते आप। कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये लड़की कौन है? नौकरानी है हमारी। नौकरानी है? हाँ। वैसे इसको क्यों दे रहे थे इतने मोटे मोटे पैसे? अब इसको जरूरत तो है। संगीता जी आप देखते रहना, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। पैसे क्यों दे रहा था इसको? पैसे क्यों दे रहा था? मारो इनको। बताओ पैसे क्यों दे रहा था इसको? पैसे क्यों? तुमको शर्म नहीं आई? ये प्रेग्नेंट है। क्या तुमको शर्म नहीं आई? क्या बोल रहे हो? ये प्रेग्नेंट है। अरे राम, तुमको शर्म नहीं आई ना बिल्कुल भी? बैठो आप बैठो, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। आप ही करा, आप ही करा। क्या बोले फिर से बोल। ओ बोल। क्या? ये प्रेग्नेंट। जोर से जोर से। ये प्रेग्नेंट है। ओ शर्म नहीं आई ना? भगवान, ये तो जिंदगी खराब कर दी इस आदमी ने। बच्चे गिराने की बात कर रहे थे ना, उसका पता है कितना कितना साल के लिए जाओगे? कम से कम 7 साल। तुम्हें पता है मैं अपने नाम पोजीशन की किसी की चिंता नहीं है? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा कुछ। आप क्या बोल रहे थे कि मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता, मेरा पति वैसा नहीं कर सकता, मेरा अब देखो अपने आंखों से खुद देखो कितना कैसे इंसान है, बच्चे को नहीं ले सकता। ये नेता, ये नेता क्या इनकी सपोर्ट करेंगे ये पब्लिक? किस चीज में खड़ा हो गया? कौन से चुनाव में? नगर पालिका। हाँ। नगर पालिका चोर, घर में एक वोट नहीं मिलने वाला तुम्हें। नेता भी नहीं बनाओगे? क्या बोल रहे थे? 4 लाख रुपए ले और गायब हो जा कहीं। क्या बोले थे बेटा? बोल रहे थे कि पैसे लेके चले जाए, अब कुछ भी नजर मत आइयो। अब बोले बच्चा गिरवा देने के लिए। अब मेरी बात सुनना, ठीक है? गौर से सुनना। तेरी बीवी को 5 लाख दे रहा हूँ, तुम्हारी बीवी मेरे पास सोएगी? हाँ, कैसी बातें कर रहा है मेरी बीवी के बारे में? तू कैसी बातें कर रहा है? देखने का भैया प्लीज बचा लो मुझे, न्याय है, न्याय है। कितना विश्वास करती थी तेरे पे? तुम्हें चोट लग जाएगा, तुम इधर बैठो। मान ले, बैठो यहाँ पे। कितना अंधा विश्वास करती थी मैं इस लड़की से लड़ाई जा रही थी तेरे लिए। मुझे माफ कर दे, मैं क्या क्या माफ कर दे? मैं नहीं रहने वाली तेरे साथ। ये माफी के लायक नहीं, इसको मारो। मैं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं, मैं हाथ जोड़ तेरे पैर पड़ रहा हूं। मैं तेरे से माफी मांगता हूं। बैठो ना, इसके देख, तेरे से माफी मांगता हूं। बैठो, मैं माफी मांगता हूं। मैं तो पीछे तलाक दूंगी इसको, मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। मैं माफी मांगता रहा हूँ तेरे से और इससे। माफी से क्या होगा? किसको दिखा रहा है पैसे की गर्मी? पैसे बच्चे को पैसे की गर्मी दिखा रहा है भाई? क्या कर रहा है? सारे पैसे चुन, चुन जल्दी, अभी थाने कॉल कर रहा हूँ। पैसे चुन, फोन नहीं करना, फोन नहीं, फोन भाई फोन है। सारे पैसे उठा, फोन मुझे इंसाफ चाहिए भैया। आपके पति अलग निकलेंगे, फिर क्या करोगे? मुझे इंसाफ चाहिए। अरे ऐसे नहीं बोलते, बात मत कर किसी से भी। ऐसे उठा भी दे, तेरी ऐसी ऐसी बेइज्जती करूंगा ना मैं तो नेतागिरी में। क्या किसी चीज में खड़ा रहने लायक नहीं रहेगा। पैसे पीछे भी उठाओ, पैसे उठाओ। इंसाफ चाहिए भैया प्लीज। ले संगीता, उस पैसे के लायक नहीं है। पैसों को पकड़, समझा दे सब। तू है भी नहीं इस पैसे का लायक। ऐसे ना बोल संगीता, तू भी ऐसे बोलेगी क्या? इलेक्शन सिर पे है, इस मैटर को यहीं दबवा दे। ओ इलेक्शन की टेंशन है तेरी, तूने इस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। रणवीर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। साले मारे मारे, मैंने बहुत गलत किया। कौन सा इलेक्शन? कौन सा लक्षण? कौन सा लक्षण? ये रहेगी कुछ तेरे साथ में रहेगी, तेरी बीवी और तेरी नौकरानी तुझे तो मैं जेल में डालूंगा। तू इलेक्शन की बात कर रहा है, माफी मांग तो रहा हूं उनसे। मैं मुझे नहीं रहा, तू रोना बंद कर, तू चुप हो जा। ममता समझा, को नहीं आदमी क्या है? इलेक्शन सिर पे, मैं माफी मांग तो रहा हूं तेरे से और इनसे। कौन हूं मैं? हां भाई बताओ कौन हूं। क्या बोला था इसको? ये बर्बाद होगी साथ में। बता, मुझे बचाओ लो। एक चीज बताओ, तुम्हें तो क्या चीज की धमकी दे रखे थे? क्या चीज की धमकी? किसी चीज की भी देंगे धमकी नहीं दिए थे इसको? गायब करवा देंगे। वो तो बोल रहा था। क्या जोर से बोल? वो तो बोला है इसको गायब करा दूंगा। गायब करवा दोगे ना? आप देख, तू देख मशहूर हो गया, तेरी मूवी बन गई वहाँ सामने। दिखा वो देख ले, एडिट कर, कैमरा बंद करा। तेरी बीवी ने लगवाया कैमरे? संगीता तुमने लगवाया ये? कहाँ का नेता? लगवाया मैंने। आवाज नीचे, आवाज नीचे। लगवाया मैंने। क्या आवाज नीचे? ठीक है, तेरी हरकतें ऐसी हैं।
आप बता। संगीता क्या कर रही है, बंद करवा कैमरा वैमरा, क्या है ये? कैमरे बंद नहीं होगा। आप बता, शकल दिखा ना, शकल दिखा, नेता है ना तू, शकल दिखा, इनको भी तो पब्लिक को पता चलना चाहिए कि कितने लोग देख रहे करोड़ों में। आपको क्या करना, साफ साफ बताओ पहले, इसकी तो चुम्बर मैं पुलिस वाले को दे के निकालूंगा। आप बताओ क्या करना, डिलीट करो, बंद करवाना इसके साथ। मैं तो डिवोर्स दूंगी, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। संगीता कैसी बातें कर रही है, इसकी बातों में आके आप यहाँ से, उसके बाद आपके डिवोर्स पेपर आपके घर पे पहुँच जाएगा। गए तेरी पत्नी, तेरी पत्नी गई। भाई कैमरा बंद कर रहा, मेरी बीवी लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तू इसके साथ रहेगा? इस बच्चे को अपना लूंगा। पक्का? पक्का। अगर नहीं अपनाए तो? अपनाऊंगा। अगर नहीं अपनाए तो? स्टाम्प से मैं लिख सॉरी बोल। बोलो कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हम बनाएंगे। कुछ नहीं होगा, ममता मैं सॉरी बोलता हूँ। इस बच्चे को मैं बनाऊंगा, श्री मालकिन को मैं बना लूंगा, ठीक है? अगर मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बाप अपना बेटा नहीं बनाया, जो भी है, अपने बच्चे को नहीं अपनाया, मैं अपनाऊंगा। अगर नहीं अपनाया तो अपनाऊंगा। भाई ये कह रहा है कैमरा, पूरे कैमरे का के बोल रहा, इस बच्चे को मैं अपनाऊंगा। तू तो बच जाएगा फिर अभी, अगर ये चीज बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। तू ये मगर मस्त किया, तू निकाल कर रहे हो तो फिर मेरे पास सबूत है। कुछ भी नहीं दिक्कत है तुमको अब? अगर ये साथ रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, कॉल करना, फिर इसकी बात बताओ। चल ठीक है।